सो गाइस रेडमी नोट 5 प्रो में 10.3.1 का अपडेट देखने को मिलेगा अब। तो गाइस इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो पूरा देखें। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग के लिए बहुत प्यार से गाइस एक वीडियो बनाया था कि जैसे कि एरर आप लोगों को शो करता है आप अपडेट करते हो तो, या फिर माइनस साइन शो करता है तो इसको कैसे रिजॉल्व करें। गाइस 100% वर्किंग ट्रिक बताया था। गाइस आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो देखें और गाइस शेयर करें, क्योंकि MI कम्युनिटी में बहुत जन ने ये वाला पूछता है कि ये कैसे करें कैसे नहीं, तो गाइस मेरे वीडियो तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो गाइस ये प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और गाइस अगर आपको फुल स्क्रीन इनेबल करना है कोई भी अगर 16:9 फ़ोन में, तो गाइस ये वीडियो जरूर देखें। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो गाइस जरूर प्रीवियस वीडियो देखना। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है रेडमी नोट 5 प्रो में बहुत हफ्ते से 10.2.3 या फिर कोई भी अपडेट देखो नहीं मिल रहा है 10.2.1 के बाद। और गाइस ये 10.2.1 में बहुत कुछ चेंजेस किया गया था। तो गाइस उसके बाद हमें कोई भी एक भी अपडेट स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइस एक मीम निकल के आया, तो गाइस आप स्क्रीन में मीम खुद ही देख लें। बट गाइज जोक सपाट, गाइज MI वेब सही में बहुत अच्छा वर्क कर रही है। जैसे कि आपको बिल्ड इन ब्लैक थीम देखने को मिल रहा है, बीटा से क्या बीटा के हिसाब से देख के मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें बिल्ड इन थीम देखने को मिल रहा है, बिल्ड इन ब्लैक थीम, जैसे कि अभी सभी को ब्लैक थीम पसंद है। तो गाइज जैसे कि सैमसंग ने भी लिया है, तो गाइज Xiaomi ने भी ये थीम लेके आया है बीटा में। तो गाइज होपफुली स्टेबल में जल्दी मिल जाएगा। देन ऐप लॉक विद फेस अनलॉक, तो गाइज ये सब छोटे मोटे फीचर बहुत अच्छे लाए हुए हैं, जो कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि MI हम लोग को सभी यूज़र को अच्छा लगता है, कस्टमाइज इतना कर दिया जाता है इसमें। तो गाइस बैक टू द टॉपिक, हम लोग अगर ध्यान से देखें कि 10.2.1 के बाद अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। और गाइस जो कुछ दिन पहले जो फरवरी में हॉलीडे हुआ था चाइना डेवलपर में, तो गाइस उनके उसके बाद जो हॉलीडे के बाद ही लोग बीटा अपडेट में ज़्यादा फोकस करने लगे स्टेबल से बीटा अपडेट में। जैसे कि 9.2.28, 9.3.31 रेगुलर एक अपडेट देखने को मिल रहा है। और गाइस न्यू फीचर भर भर के देखने को मिल रहा है। देन अब 9.3.4 का भी अपडेट देखने को मिलेगा अगले हफ्ते। सो गाइस ये तो मेरे को नहीं पता कि डेवलपर कौन सा गेम खेल रही है, क्या कर रही है कि बीटा अपडेट में अब ज़्यादा फोकस कर रही है, स्टेबल में कब तक प्रोवाइड करेगा। बट गाइस ये अज्यूम कर सकता हूँ कि क्यों नहीं देखने को मिल रहा, और ये आपको बता सकता हूँ कि कब तक देखने को मिलेगा। और गाइस ये सब मेरा अजम्पशन है, तो गाइस ये एक कोई डिक्लेरेशन नहीं है, तो गाइस ये मत समझने की ऑफिशियल न्यूज़ है। बट गाइस अगर मैं रेगुलर हिसाब से बताऊँ तो आप लोग को बता रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाओगे किस कैब मैं बताना चाह रहा हूँ। तो गाइज अपडेट नहीं आने के एक रीज़न ये बनता है कि रेडमी नोट 5 प्रो अब बहुत पुराना सेट हो गया, पुराना डिवाइस हो गया। तो गाइज़ इसमें जैसे कि पहले बहुत सारे मेजर बग्स भी आते थे, तो गाइज में ये मंथली में अपडेट देखने को मिला था रेडमी नोट 5 प्रो में। बट गाइज 10.2.1 के बाद बहुत ही रेयर बग्स देखने को मिला। तो गाइज अगर आपको 10.2.1 में बहुत बग्स देखने को मिल रहा है, तो गाइज एक बार हार्ड रीसेट ज़रूर कर दें रेडमी नोट 5 प्रो का अपने फ़ोन को। तो गाइज 10.2.1 में बहुत ही कम मेजर बग्स देखने को मिल रहा है, तो गाइज इसीलिए शायद ये लेट अपडेट देखने को मिलेगा, शायद अब एक दो तीन महीना में एक बार देखने को मिलेगा। बट गाइज मैं अपने हिसाब से मैं बता दूं कि आपको 10.2.3 का अपडेट देखने को मिलेगा या फिर 10.3.1 का। तो गाइज जैसे कि चाइना में लीक हुआ था 10.2.3 का अपडेट देखने को मिल सकता है। बट गाइज 10.2.3 में आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेटेड रहेगा, UI एक्सपीरियंस इंप्रूव किया जाएगा 10.2.3 में, और जो मेजर बग्स है 10.2.1 के जो कुछ कुछ यूज़र को देखने को मिले हैं। गाइज मेरे को देखने को 10.2.1 बस साउंड का प्रॉब्लम देखने को मिला और बैटरी इशू, तो गाइज ये शायद दो बग्स रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। और बट गाइज अगर 10.2.3 ये मार्च के अब एंड तक देखने को नहीं मिला, मार्च के मिड मार्च तक देखने को नहीं मिला, तो गाइज समझ जाना 10.3.1 शायद मेरे हिसाब से डायरेक्ट 10.3.1 अपडेट देखने को मिलेगा। एस 10.3.1 बीटा में भी देखने को मिला, और गाइज इसमें मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि गाइज आपको सिक्योरिटी पैच तो अपडेट देखने को मिलेगा ही अगर 10.2.3 नहीं मिला तो, और गाइज ऐप फेस अनलॉक जो मिला है देखने को, ऐप लॉक विद फेस अनलॉक, तो गाइज ये अपडेट देखने को मिलेगा। और डुअल ऐप शॉर्टकट जो होम स्क्रीन में आपको ये फीचर देखने को मिला है, तो गाइज ये फीचर देखने को मिलेगा। और गाइज आप लोग को पता है कि बीटा अपडेट के बाद स्टेबल में जो बीटा अपडेट में फीचर देखने को मिलता है फिर स्टेबल में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो गाइज 10.3.1 में शायद ये सब फीचर हमें प्रोवाइड कर दिया जाए। और गाइज कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, एज बहुत सारे व्यूअर्स लेट से भी देखते तो पूछते हैं कि अभी तक क्यों नहीं देखने मिला है। तो गाइज मेरे को खुद नहीं पता है कब तक देखने मिलेगा, बट गाइज इतना श्योर है कि मार्च में आप लोग को देखने को जरूर मिल जाएगा। अब देखते हैं कि 10.2.3 देखने को मिलता है या फिर 10.3.1।
तो गाइज आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैंने कितना सही बताया और कितना गलत बताया। आप लोगों को क्या लगता है 10.2.3 कब तक देखने को मिलेगा या 10.3.1 डायरेक्ट देखने को मिलेगा, वो भी बहुत दो तीन न्यू फीचर के साथ। तो चलिए गाइज इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।